हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए डे टू, और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेल। सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, नहीं, हम थोड़े सी सीक्वेंस को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और हम लोग सेल पहले पढ़ेंगे। सेल चैप्टर जो उसका वेटेज काफी अच्छा है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। और देखिए, सेल जो है चूंकि हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो पहले हमारे दिमाग में हमारी जो सेल की जो इमेज है वो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आगे कोई भी फिजियोलॉजी पढ़े, टिश्यूज के बारे में पढ़े, किसी भी हायर हम बोल सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में पढ़े, बट हमें बेसिक जो स्टार्ट जो स्ट्रक्चर है, जो चीजें जिस पे बेस्ड है, वो है सेल चैप्टर। तो हम क्यों ना स्टार्ट करें फ्रॉम द सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज सेल। सेल किसको बोलते हैं। सेल जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये एक लाइन सबके माइंड में क्लियर कट है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को मेरे फर्स्ट डे के वीडियो में ही बताया था कि देखो, जितनी भी सेल्स होती है वो जब इंटरेक्शन करती है उसी का रिजल्ट होता है टिश्यूज, राइट। एंड देन ये टिश्यू जो है और ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। यानी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है अगर, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक उसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेल आएगी। और फंक्शनल यूनिट यानी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, वो सभी परफॉर्म होते हैं कहां, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो डेफिनेशन हम लोगों ने दी है लाइफ के लिए, लिविंग के लिए, कि लिविंग वो है जो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो ये दोनों ही चीजें समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सेल के बारे में। तो सेल आखिरकार है क्या। तो सबसे पहली चीज, सेल जो है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो सबको मालूम है सेल को डिस्कवर किया था हुक ने, रॉबर्ट हुक ने किया था, और उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में बताया था। उन्होंने जो डेड सेल्स है, कॉर्प सेल्स, उनकी क्या की थी, स्टडी की थी, होलोड कंपार्टमेंट्स को देखा था, और उन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया था क्या, कि इनको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, राइट। बट फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी, फर्स्ट लिविंग सेल देखी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बनाया था अपना ही माइक्रोस्कोप। और जब भी हम कोई अपना इन्वेंशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी यूज करें, तो वही क्यूरियोसिटी ल्यूवेनहॉक के अंदर भी थी। और उसने क्या किया था, उसने देख लिया था बारिश के पानी के अंदर, अपने दांतों से खुरचन को निकाल के, ओके, सीमन को, सबको चेक किया उसने, तो उसको पता चला किसके बारे में, लिविंग सेल के बारे में। तो इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी, ल्यूवेनहॉक ने। स्पर्म की सबसे पहले किसने देखा, तो देन ल्यूवेनहॉक। आरबीसी जो है, लिविंग आरबीसी जो है, उसको किसने देखा, ल्यूवेनहॉक। तो सब में ल्यूवेनहॉक नाम इसीलिए आ जाता है। एक्चुअल में उन्होंने इन्वेंशन जो किया था वो तो किया था माइक्रोस्कोप का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात हिस्ट्री के बारे में। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है इंटू 2 पार्ट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिनमें सिंगल सेल होते हैं, लाइक अमीबा, राइट। और जितने भी हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली मोनेरन्स के अंदर आते हैं, लोअर एल्गी भी होती है कुछ, तो वो सभी एग्जाम्पल है फॉर द यूनिसेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर वो जो एक से ज्यादा जिनमें सेल्स प्रेजेंट होती है उनके बॉडी फॉर्म करने के लिए, तो वो हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, सिंपल सी बात, इसीलिए हमने उसको बोला स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, नाउ सेल थ्योरी। तो देखिए, ये तो पता है सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, बट सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, आखिर क्या है ये सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है स्लेडन, दूसरे का नाम है स्वान, और इन दोनों ने सेपरेटली प्लांट एंड एनिमल सेल पे स्टडी की, ठीक है। याद रख सकते हैं, स्वान जो है उन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की है, स्लेडन जो है इन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की है, क्लियर। ये दोनों जो है, इन दोनों ने बताया था क्या, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, राइट। बट ये चीज कि हम सभी सेल के बने और हमारी फंक्शनल यूनिट सेल है, इसके अलावा एक और चीज की, जितनी भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है। तो ये जो एक नया स्टेटमेंट ऐड किया है वो किसने किया था, रुडोल्फ विर्चौ ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट दिया था विर्चौ ने और बताया था क्या, कि कोई भी सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ऑब्वियसली बात है, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, जब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की तो हमने क्या बोला, कि अमीबा जो सेल है वो क्या कर रही है, सेल डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करके दो प्रोजेनी जो है उसको डेवलप कर देती है। यानी कि ये जो प्रोजेनी अमीबा है, ये डेवलप किससे हुए है, अपनी पहले से प्रेजेंट अमीबा सेल से, पेरेंटल सेल से। तो सेल का डेवलपमेंट जब भी सेल बनती है नहीं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होता है। तो ये सभी जो है उसका रिजल्ट क्या होता है, उसी का रिजल्ट है हमारी ग्रोथ एंड न्यू प्रोजेनी का डेवलपमेंट। ओके, तो ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चौ ने ऐड किया था। नाउ अगर पूछा जाए सेल थ्योरी क्या है, किसको बोलते हैं, तो सेल थ्योरी का मतलब ये हुआ
कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी या तो सेल के बने हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। सेल का प्रोडक्ट्स का मतलब ये हो गया कि समटाइम ऐसा होता है कि सेल जो होती है प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेल जो है वो बाहर नॉन लिविंग मैटर जो है उसको रिलीज करती है, जो सेल वॉल को फॉर्म कर रहे हैं, तो वो सभी चीज उसके अंदर इंक्लूड है। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट केवल एनिमल सेल के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, स्टेटमेंट प्लांट के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं सेकंड कंडीशन कि कोई भी सेल अपने पहले से प्रेजेंट सेल से डेवलप होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में और आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर है नहीं। क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेल जो है उसको अगर हम इमेजिन करना चाहें तो हमारे दिमाग में बड़े सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, क्योंकि सेल एक शब्द बोलते ही हमारे माइंड में प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो भी दिखने लगती है, यूकैरियोटिक सेल भी हमें दिखने लगती है, और इमेजिन जब हम करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों हमें दिखने लगती है, राइट? तो हमें यहाँ पे सेल में अगर हम लोग मोटा मोटे तौर पर देखें तो एक सेल में क्या क्या चीजें हैं, तो हम उनको उसका एक चार्ट बना के उनको याद कर सकते हैं, ठीक है, और समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये ओवरव्यू है कि सेल जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक सेल जो है उसको सबसे पहले बाहर आउटर मोस्ट बाउंड्री उसकी होनी चाहिए। अब वो बाउंड्री या तो सेल वॉल हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों ही कंडीशन है। सेल वॉल या आउटर मोस्ट बाउंड्री किस में प्रेजेंट होती है, केवल हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रेजेंट है प्लांट्स में एंड फंजाई में प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है बट एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। क्लियर? तो सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन है। बट सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो मेन लिविंग पार्ट है सेल का, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं सेल की डायनेमिक्स जो होती है ना वो डिसाइडेड होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट होगी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी इन द केस ऑफ एनिमल सेल। अगर बैक्टीरियल सेल है तो उस केस में भी अगेन उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम ये कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखो यहाँ इस चार्ट के थ्रू आप लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर डिफरेंसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को के बारे में हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये तो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल में भी है एंड प्लांट्स में भी है। चलिए फिर आउटर मोस्ट लेयर के बाद में अगर हम अंदर आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं क्या लिक्विड मटेरियल होता है। ये सेल है अगर आपकी, तो सेल के अंदर ये जो लिक्विड पोर्शन है यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल ये मेन एरिया है जो उसमें प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये मेन वॉल्यूम जो होती है सेल की वो किसकी वजह से, साइटोप्लाज्म की। और ये साइटोप्लाज्म तो सब में होगा, चाहे वो कोई प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे कोई यूकैरियोटिक सेल हो, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, जो रिएक्शंस होती है वो इनमें ही प्रेजेंट हम ये बोल देते हैं ऑर्गेनेल्स में या फिर इन्हीं साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इसी के अंदर जो है ये परफॉर्म होती है। तो साइटोप्लाज्म सब में प्रेजेंट है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का पार्ट। फिर हम उसमें बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स देखो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंडेड या फिर मेम्ब्रेन लेस। सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो सेल का ओवरव्यू ले रहे हैं उसमें हमने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है कि प्लांट के बारे में बात करें, एनिमल के बारे में बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, या हम कंबाइंडली बात करें, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एग्जांपल के तौर पे आप लोग याद कर सकते हो क्या क्या है, भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड है बिल्कुल, ये भी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइट? तो ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के आगे लगा रहे हैं प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस की प्रेजेंट, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो इसमें सारे के सारे अब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल जो है इनके अंदर ये सभी प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसी के साथ में मेम्ब्रेन लेस अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनेल्स की तो जिसमें आ जाते हैं राइबोसोम, तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, बट ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है जो कि एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, जिसका काम है मेन सेल डिवीजन के टाइम पे। चलिए ये एक मोटी मोटी पिक्चर है जो हम आपके दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं इस चार्ट के थ्रू। चलिए न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो डेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियस है
ये मेम्ब्रेन बाउंडेड या मेम्ब्रेन लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहीं पे आपको ऑर्गेनेल के टाइम पे भी बोल दी थी, बट हाँ वो हमें अलग से ही बोलना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है यूकैरियोट्स में और मेम्ब्रेन लेस होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डीएनए मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हम ये बोल देते हैं, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एक ओवरव्यू। अभी सेल का जब भी दिमाग में आएगा तो आप एक पिक्चर इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि सेल क्या है। सेल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी, साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी दो तरह के हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है अगर उसमें प्रेजेंट इट मींस वो यूकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस जो है वो हम उसी को बोलेंगे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो वो यूकैरियोटिक सेल का करैक्टर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस वो कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो एक इमेज क्रिएट हुई और इस चार्ट के थ्रू आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ये चार्ट आपकी बुक के अंदर आपको दिया गया है, अब वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ छोटे छोटे से डाटास दिए गए हैं जिनको हम नॉर्मली स्किप कर जाते हैं, बट हमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो हमने एक टेबल फॉर्म में बना के आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। देखिए कई तरह की सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स का साइज यहाँ पे मेंशन है जिसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका लेंथ जो है वो 0.1 टू 0.3 μm होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं ऐसा, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसका एवरेज साइज जो है वो 3 टू 5 μm होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत छोटे से साइंस से जब पढ़ रहे होते हैं ना शुरू करते हैं तब से ही आपको पता होते हैं, इसी वजह से शायद स्किप कर जाते हो। बट यहाँ पे जो ये दिया है ना साथ में लेंथ दिया है या फिर कहीं पे उसका डायामीटर दिया है, ये हम लोग गौर ही नहीं करते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसा ही पूछ लेते हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स उसका डायामीटर 7 होता है, और ये जरूर याद रखना है बाइकॉनकेव होती है, डिस्क शेप होती है, राउंडेड भी हो सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है ये ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, रीजन ये है क्योंकि जब सेल की स्टडी हुई है तो आरबीसी जो है ना उसकी भी स्टडी की गई है, मेनली जब सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो आरबीसी जो है ना उसकी स्टडी वहां पे की गई है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नर्व सेल्स जो है ये लॉन्गेस्ट सेल्स होती है ह्यूमन के अंदर, ब्रांच होती है, लॉन्ग होती है, वैसे इसके बारे में आप लोग टिश्यूज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी एक लाइन से एनसीईआरटी में मेंशन है, तो कभी कभी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछना अगर बनाते हैं तो कभी मैच द कॉलम में इनके साथ में ये ऑप्शन जो है वो यूज में आ जाता है। नर्व सेल्स अगर आप देखोगे तो ब्रांच होती है ना, इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, अब वो डिपेंड है कि इसमें ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, आप सबको आपको मालूम होगा ये, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, न्यूरोन का है। सेल की स्ट्रक्चर कई तरह की हम ये बोल सकते हैं कि हो सकती है, ठीक है। ये एक डायग्राम फिगर जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको भी आप भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, बट डायरेक्टली कई बार पूछ भी लेते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं इस पे, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो किसका है। तो आपको एनसीईआरटी के डायग्राम सारे क्लियर होने चाहिए। ये क्या है भाई, कॉलुमनर एपिथेलियम है ना, लॉन्ग है, नैरो है, कैसे समझे, देखिए न्यूक्लियस सारे के सारे बेस के अंदर है, वहीं से समझ में आ जाती है कि कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स है, कैसे समझ में आया भाई व्हाइट ब्लड सेल्स है, क्योंकि देखो सब में न्यूक्लियस जो है ना वो अलग अलग तरह का है, कहीं किसी के अंदर देखो कई लोब प्रेजेंट है, किसी में टू लोब प्रेजेंट है, किसी में सिंगल लोब्ड है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का ये करेक्टर है ना। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो सकता है, बाइलोड ट्राइलोड एंड कई और उससे भी ज्यादा लोब्स उसमें प्रेजेंट हो सकती है, देखो इसमें चार लोब्स प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है ये बाइकॉनकेव एंड राउंड हो सकती है, तो ये डायग्राम जो है आरबीसी का है। ये है नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, इसके अंदर इसके साथ में ट्रेकिट्स, ट्रेकिट्स का स्ट्रक्चर तो आप दो बार ये वापस से आप जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट वहां पे भी पढ़ेंगे, ट्रेकिट्स देखिए इलोंगेटेड होती हैं, राइट, दोनों साइड में टैपरिंग एंड है, और इनके अंदर जब ये आप स्ट्रक्चर देखते देखते ही समझ जाते हैं। चलिए मेसोफिल जो है, मेसोफिल के अंदर ग्रीन कलर शो होते ही आपको समझ में आ रहा होगा, बट मेसोफिल जो है ये कैसी है, राउंडेड है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एज इट इज आपको याद करना है, क्लियर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले आती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करें, हमारे दिमाग में पिक्चर बनाए, तो हम बना सकते हैं, एक हम यूकैरियोटिक सेल की बना सकते हैं, दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक प्रो वर्ड से आ जाता है कि जो जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, प्रिमिटिव टाइप ऑफ। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने वहीं से उसी डायग्राम को लिया, देखो इसमें टिपिकल किसी भी अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ये यूकैरियोटिक सेल है, कंपैरिजन के लिए साथ में है कि अगर इसमें आप स्ट्रक्चर में देखोगे
तो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन जो है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियल सेल्स है जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। पीपीएलओ सेल्स जो है माइकोप्लाज्मा सेल है ये पीपीएलओ, इसके अंदर बाहर सेल वॉल नहीं होती है, ये इनका स्पेशल करेक्टर। नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी सेल वॉल होती है। ये याद रखिए कि इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल अब्सेंट है किसके अंदर, पीपीएलओ पे, ठीक है। ये याद रखिए प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट के बारे में जब भी पूछते हैं तब ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर बात करें तो उनके अंदर किसी भी तरह के ऑर्गेनेल नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन की है, सम टाइम इन माइकोप्लाज्मा उनमें एब्सेंट होती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो है डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। प्लास्टिड जो है जो हम ये बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करने में काम आ रहे क्लोरोप्लास्ट जो है वैसा ही फंक्शन यहाँ पे भी होता है, पिगमेंट्स यहाँ पे भी हैं, बट वो पिगमेंट्स जो है वो हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर्टिकुलरली सभी बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं होते, केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी मैंने बना दिया है एक चार्ट पूरे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो आपको इस चार्ट से सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। देखिए जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होती है सबसे पहले अगर हम बात करें इसके आउटर मोस्ट एनवेलप के बारे में बात करें, ठीक है, तो एनवेलप अगर हम देखेंगे तो थ्री लेयर होता है इसके चारों तरफ। अगर ये सेल मैंने बनाई बैक्टीरियल सेल तो ये तीन लेयर होती है, ये तीनों लेयर को मैं इस तरह से शो कर देती हूँ। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि स्लाइमी चिपचिपी लेयर भी हो सकती है, तब हम उसको स्लाइम लेयर बोल देते हैं। समटाइम वो क्या हो जाती है, हम ये बोलते हैं कि वो हार्ड होती है और इन्फेक्शियस नेचर जो होता है वो पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल का वो उसी की वजह से होता है, तब हम उसको बोल देते हैं कैप्सूल बोल देते हैं। बट वो होते क्या है, दोनों ही टाइप है किसके, ग्लाइकोकैलिक्स के। आपकी एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है आउटर मोस्ट लेयर है, इनके अंदर जो है मेनली हम ये बोलते हैं फ्रक्टेन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें मेन जो है इसमें शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकेन की प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये पेप्टिडो ग्लाइकेन की लेयर माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होती है, अब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करेक्टर सिमिलर है विद द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी वही करेक्टर है। ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है इनमें भी, बट यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, डिफरेंट रोल प्ले करती है। कैसे, ये क्या करती है, मीजोसोम फॉर्म करती है। मीजोसोम आप किसको बोलते हो, इस तरह से फोल्ड्स होते हैं जो इनके अंदर बनते हैं, जहां पर स्टोर रहते हैं क्या, वहां पे स्टोर रहते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वो यही सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। तो मीजोसोम जो है वो वर्क करता है एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप स्ट्रक्चर बनाते होंगे तो आपको क्लियर पिक्चर होगी कि उसमें इस तरह से क्या होते हैं, क्रिस्टल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। आप इस तरह से फोल्ड जो है वो फोल्ड बनाते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। तो ये जो फोल्ड्स है वैसे ही कुछ फोल्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो मीजोसोम जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। तो ये याद है कि एनसीईआरटी में ऐसे ही क्लियर कट मेंशन है, लाइंस ऐसी की ऐसी पूछ लेते हैं। अभी मीजोसोम करता क्या क्या है देखिए, ये वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ट्यूबुल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, लेबलीज जो है वो फॉर्म करते हैं। इनका काम क्या है अभी मीजोसोम का, ये क्या करते हैं, सेल डिविजन में हेल्प करते हैं। सेल जो होती है फ्रो बनती जो है यही एक्सटेंशन जो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो सेल डिवीजन करवाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्पफुल है। ये डीएनए यहां से क्या होता है, जुड़ जाता है, जब ये सेपरेट होता है तो अपने साथ में डीएनए जो होते हैं रेप्लिकेटेड डीएनए उनको भी सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बिल्कुल, सर्फेस एरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड सिक्रीशन का काम भी करता है ये। तो ये सारे फंक्शन है किसके, आपके मीजोसोम्स के। चलिए उसके अलावा क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनते हैं, जिनके अंदर पिगमेंट्स जो है वो स्टोर होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए इसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो सारी की सारी मोटाइल नहीं होती है, उनमें से कुछ ही सेल जो होती है वो क्या होती है, मोटाइल होती है। जो भी मोटाइल होगी उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा भाई, उनमें प्रेजेंट होंगे फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जो है ये उनके अंदर लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों के दिमाग में होगा तो कुछ इस तरीके से हुक जो है वो प्रेजेंट होता है, आगे फिलामेंट प्रेजेंट होता है,
बेसल बॉडी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसमें चार डिस्क प्रेजेंट हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अलग अलग होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर चारों ही, ग्राम नेगेटिव के अंदर दो ही है ये MSPL। चलिए इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि तीन पार्ट के अंदर फ्लैजेला डिवाइडेड रहता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट के अंदर, ठीक है, जिसका रोल क्या है, लोकोमोशन का, जब वो घूमता है तो जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, क्लियर। तो फिलामेंट जो है लॉन्ग होती है स्ट्रक्चर, और जिसका मेन रोल किसके अंदर आता है, आपके मूवमेंट के अंदर। तो इस तरह से एक सिंगल थ्रेड जो है वो बता दिया जाता है फिलामेंट को शो करने के लिए। इसके अलावा इनके ऊपर पिलाई या फिर फिम्ब्री जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। पिलाई और फिम्ब्री जो है दोनों देखने में एक जैसी सी ही स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होते हैं, होलोड और स्मॉल होते हैं साइज में, राइट, लेकिन दोनों का रोल डिफरेंट डिफरेंट है। पिलाई जो होता है एक्चुअल में इनका रोल क्या होता है, एक तो डीएनए मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे तो ट्रू टाइप का तो हम इनको बोल ही नहीं सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर फॉल्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा हो, बट डीएनए का ट्रांसफर भी हो सकता है दूसरी बैक्टीरियल सेल को, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल को इस तरीके से पिलाई के थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो डीएनए मटेरियल के ट्रांसफर करने के लिए भी क्या होता है, रोल प्ले करते हैं ये पिलाई। तो ऐसी पिलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने पिलाई बोला, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आ रही है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर देखी जा सकती है। फिम्ब्री जो है वो एक्चुअल में वही होलोड स्ट्रक्चर है, पिलनी प्रोटीन की बनी होती है, बट इनका काम क्या होता है, ये केवल एक बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होती है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जब अटैच होता है उसके लिए प्रेजेंट होती है, या फिर कोई भी सरफेस अगर उस पर मिलता है तो उसे अटैचमेंट शो करती है, तो ऐसे प्रोजेक्शंस को हम फिर फिम्ब्री बोल देते हैं। कई बार समटाइम आप लोग जो पिलाए है और फिम्ब्री जो है उसको एक ही शब्द से आप लोग पहचान लेते हैं, बट ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स है। चलिए इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, राइट। राइबोसोम है क्या, राइबोसोम जो है एक्चुअल में RRNA और प्रोटीन के बने हुए स्मॉल, हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है राइबोसोम हमारे दिमाग में आता है, क्लियर। फिर हम ये बोल रहे हैं बिल्कुल इनकी दो यूनिट होती है, एक 50S और एक 30S। अगर हम लोग देखेंगे इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर तो ये कभी कभी क्या होते हैं, एक mRNA से भी इस तरीके से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तब हम इनको क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, इस कंडीशन के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। चलिए इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बात करेंगे, तो इनके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी तरह की जो है वैक्यूल या इस तरह के स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, बट इनके अंदर जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल है वो इनके साइटोप्लाज्म में ही स्टोर हो जाता है। नॉर्मली जब प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे होते तो वैक्यूल आपके दिमाग में आती होगी, है ना, टोनोप्लास्ट जो है उसके चारों तरफ जो लेयर है उसको हम बोलते हैं, मेम्ब्रेन को बोलते हैं, उसके अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है, तो यहाँ पर जो है वो स्टोरेज का काम जो है साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होती, बट समटाइम कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, इमेज क्रिएट हुई बाहर से क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइमी हो सकती है, कैप्सूल के फॉर्म में हो सकती है, उसके अंदर वाली लेयर है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, बट वो एक्सटेंशन फॉर्म करती है मिजोसोम के फॉर्म रूप में या फिर क्रोमेटोफोर्स के रूप में। मिजोसोम है तो कई काम कर रहा है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, और हम ये बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन, बट इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे इस क्रोमेटोफोर की तो उसमें केवल पिगमेंट स्टोर हो रहे हैं। राइबोसोम ही प्रेजेंट है इसके अंदर, पॉलीसोम की कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में अगर देखें तो कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं और रिजर्व फूड मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होता है। तो इतना ही दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपकी एनसीईआरटी के अंदर, आपको क्लियर कट इतना ही याद रखना है, और ये चार्ट्स आपकी बुक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहां पे इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक यानी कि ऐसे ही सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल जो है देखते ही पहचान गए होंगे, ये है प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल को आप कैसे पहचानते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ आपको नजर आती है क्या, सेल वॉल, ये है सेल वॉल, सेल वॉल की प्रेजेंस होते ही वो क्या है, प्लांट सेल। वैसे फंजाई के अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो किसकी, यहां तो ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज की बनी है,
बट वहां किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की नहीं बनी होगी तो, काइटीन की बनी होती है राइट। तो सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें चारों तरफ। स्ट्रक्चर को देखते ही समझने का एक और रीजन क्या है, जैसे ही आपको लार्ज साइज में वैक्यूल नजर आती है आप समझ जाइए कि वो क्या है, प्लांट सेल है। इस साइज में इतनी बड़ी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में मेजर पोर्शन जो है वो वैक्यूल ही घेर लेती है, इसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा पेरिफ्री जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, पेरिफ्री आ जाता है, सेंट्रली लोकेटेड नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें लगता है बड़ी सिंपल सी चीज है और एक्चुअल में कई बार सिंपल चीजें ही पूछ लेते हैं जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सारे के सारे प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर भी, आप देखोगे तो सब है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग सेपरेटली फिर आगे देखेंगे जरूर, बट जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो हम लोग देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे परोक्सीसोम माइक्रोबॉडीज के फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे आ रहा है परोक्सीसोम, इनमें परोक्सीसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा, ये वो पाथवे है जहां से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायग्राम की डिटेल स्टडी करी नहीं होती है तो ध्यान भी नहीं रहता, छोड़ देते हैं हम इस चीज को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये है प्लांट यूकैरियोटिक सेल, डिटेल में हम आगे देखेंगे। चलिए फिर एक बार एनिमल सेल को देख लेते हैं। एनिमल सेल देखते ही देखो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, यहाँ पर लार्ज साइज सेल वैक्यूल आपको नजर नहीं आ रही है, बट बाकी जितने भी ऑर्गेनेल है वो दोनों में ही प्रेजेंट थे। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल वॉल अपसेट है, सेल वॉल नहीं है, और ये देखो माइक्रोविलाइज जो है वो फॉर्म कर रही है ये सेल, तो सभी तो नहीं बट कुछ सेल्स होती है जो माइक्रोविलाई फॉर्म करती है और सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। नॉर्मली जब आप डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इस टर्म के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोविलाइज जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। चलिए तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। डायग्राम जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो देखते ही समझ जाइए। एक चीज जो यहाँ पे अलग है वो है सेंट्रियोल की प्रेजेंस। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ये यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म करता है एंड सेल डिविजन करवाता है। क्लियर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान नहीं देते, इसे छूट जाता है। चलिए इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कई बार कई मॉडल दिए गए राइट, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉडल है वो कौन सा है, क्वासी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिपिड की यहाँ पे बाई लेयर प्रेजेंट होती है। अगर इस लेयर में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोफोबिक जो इसके एंड्स है हाइड्रोकार्बन की, ये देखिए चेन जो है फॉस्फोलिपिड की वो अंदर की तरफ होती है, जबकि इसके हाइड्रोफिलिक ये जो हेड पार्ट है, ये हेड जो होता है ये दोनों ही सरफेस में, आउटर व इनर सरफेस दोनों की तरफ होता है, ठीक है। यानी कि जो एक्वस एनवायरमेंट है वो इसके हाइड्रोफोबिक एरिया से क्या है, अभी कनेक्टेड नहीं है। हाइड्रोफिलिक एरिया जो है वही कनेक्ट हो रहा है किसके साथ में, एक्वस एनवायरमेंट से। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है बट आप डायग्राम को और उसके साथ कंपेयर नहीं करते हो तो समझ नहीं पाते, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। प्रोटीन दो तरह की है, यहाँ पे देखोगे एक प्रोटीन जो है वो देखो इंटेग्रल प्रोटीन है, अंदर की तरफ घसी हुई है, जबकि दूसरी प्रोटीन जो है वो क्या होती है, पेरिफ्री होती है, ऊपर बाहर की तरफ होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफ्रल। तो प्रोटीन दो तरह की है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसी के साथ में इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग देखो, ये कार्बोहाइड्रेट देखो यहाँ पे प्रोटीन से जुड़ा है तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये जुड़ जाएगा कहाँ पे, आपके लिपिड से यहाँ पे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ग्लाइको लिपिड बोल दिया। तो ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं एनिमल सेल के अंदर, ग्लाइको कैलेक्स बोल देते हैं, आउटर मोस्ट लेयर बोल देते हैं। आउटर साइड में प्रेजेंट है, इनर साइड में देखो हम लोगों ने नहीं बनाया, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कभी कभी अगर सेल एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है स्टेबिलिटी लेके आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आप यहाँ देखोगे तो लिपिड जो है वो क्या कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से, ये यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में ये लिपिड मॉलिक्यूल अपनी जगह पर क्या हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। तो लिपिड तो क्या हो गया, एक नदी की तरह बह रहा है, सागर की तरह बह रहा है, और उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे हम ये बोलते हैं स्टोन्स हैं जो उसमें तैर रहे हैं। तो लिपिड जो है वो क्या कर रहा है, इसको फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज ऐसे ही, फ्लूडिटी किसकी वजह से है, तो वो किसकी वजह से, लिपिड की वजह से है, प्रोटीन उसी के अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह पर ये रोटेट नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर ये नहीं, ये इधर से उधर, ये हम ये कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वगैरह, ये इस तरह के कोई मूवमेंट नहीं करता है। चलिए तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी का डायग्राम और उसके बाद में पूरी सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी आपको चार्ट के थ्रू हमने प्रोवाइड की है। चलिए
सेल मेम्ब्रेन जो है, सबसे पहली चीज कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्टडी जो है वो किसने, इसका मॉडल जो है वो किसने दिया। तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया है 1972 के अंदर। अगर हम बात करें इसके नेचर के बारे में तो इसका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब हुआ कि चूज करेगा कौन अंदर आएगा बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना, जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स का, ये फैसिली डिफ्यूजन करवाते हैं मॉलिक्यूल्स की, वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू हम अंदर बाहर होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। और ये सब चीजें, ये जो डायनेमिक नेचर किसकी वजह से आया, क्योंकि इनकी जो लिपिड फॉस्फोलिपिड की जो इनकी लेयर प्रेजेंट है उसी की वजह से ये नेचर इनको प्रोवाइड होता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन अगर हम लोग देखें तो आरबीसी में, मैंने आपको बोला था ना कि आरबीसी की स्टडी की गई है, तो आरबीसी में देखोगे तो 52% तो क्या है प्रोटीन, जबकि 40% क्या होता है लिपिड्स होते हैं इसके अंदर, ये आप लोग ध्यान रखिए। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब हो पाई थी, आफ्टर स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप 1950 के बाद में। चलिए अब इसके कंपोजिशन के बारे में अगर हम जाए तो वही प्रोटीन दो तरह की है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, फिर हमने यही बोला है कि इनके लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो सकता है, एनिमल सेल है तो पोलर हेड आउटसाइड होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक से अंदर की तरफ होते हैं, क्वासी फ्लूइड इसका इनका नेचर होता है, ठीक है। इसी के अलावा हमने फ्लूइड नेचर जो है वो किस किस चीज में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ के अंदर, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस, यही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है अंदर की तरफ वेसिकल बनाती है, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, तो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस एक्टिविटी भी इसी के थ्रू होती है, सेल डिवीजन भी होता है इसी के थ्रू, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए सेल मेम्ब्रेन के बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल जो है चूंकि प्रेजेंट होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, सेल वॉल जो है वो कैसे होती है, ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अगर हम बनाएं तो ये आपके यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि ये मिडल लैमिला जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये मिडल लैमिला है, ठीक है। अब ये मिडल लैमिला जो है अब इसके अंदर क्या बनती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल किधर बनती है, अंदर की तरफ बनती है, ठीक है। मिडल लैमिला जो होती है वो एक्चुअल में सीमेंट का काम करती है और दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो ये तभी हो सकता है जब ये कहाँ प्रेजेंट हो, मिडल के अंदर, तभी इसको हमने मिडल लैमिला बोला है। तो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगी, अंदर की तरफ, तो पहले बनेगी प्राइमरी एंड देन बनेगी सेकेंडरी, क्लियर याद रखिए। तो ये है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स में ये हैवी सेलुलोज, पेक्टीन, प्रोटीन्स, ये सब चीजें भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एल्गी की अगर हम बात करें तो सेलुलोज के साथ साथ में इनमें मेनेंस, गैलेक्टेंस जो है ये भी प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया में यही पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, जबकि हमने वैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसको डिस्कस कर लिया, यहाँ हमने बता दिया है वापस से। चलिए फिर प्राइमरी सेल वॉल जो है इनकी वो क्या करती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती प्लांट्स के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ के लिए और जितने भी यंग प्लांट्स हैं तो उनके अंदर सेल वॉल जो है ये जरूर प्रेजेंट होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो तब बनती है जब हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर जब टिश्यूज जो होते हैं वो परमानेंट जब होते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल जो है उसको भी सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ बनती है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया, आपको इतना ही पढ़ना है और ध्यान देना है। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनेल्स के अंदर आ जाते हैं। अब ऑर्गेनेल्स कितने तरह के, देखिए ऑर्गेनेल्स तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक है नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन में कौन सी आ जाती है जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, आरआरएनए एंड प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल है, और ये तो हमारे क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो उनसे बनी स्ट्रक्चर होती है इनकी। चलिए उनको हम आगे डिटेल में वापस से पढ़ेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन माउंटेड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है भाई, तो डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, न्यूक्लियस में। कैसे याद रखोगे भाई, जब आप लोगों को पेरी न्यूक्लियर स्पेस के बारे में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में, पेरी प्लास्टिडल स्पेस के बारे में, ये तीन शब्द आपको जहां सुनने को मिलते हैं, वो तीनों शब्द तभी आ पाते हैं जब एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ और एक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, तो डबल मेम्ब्रेन हुई ना, तभी तो बना ये स्पेस, और ये स्पेस हुआ तभी तो आप पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस साइकिल के बारे में, ये स्पेस आता है वहां पे, क्लियर।
तो याद रखिए ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि ये बाकी सारे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए चार्ट के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन आपको किया है। चलिए आगे आ जाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये इनमें वो सभी ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ते हैं जो पहली बात मेम्ब्रेन बाउंडेड है। दूसरी कंडीशन इनके लिए क्या होती है कि इनके फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, या फिर इनका फॉर्मेशन भी एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड होता है। तो एक साथ मिलकर काम करने वाले जो होते हैं उन ऑर्गेनेल्स को हमने बोला है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, सॉरी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हमने पार्ट रखा है उसको। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन होगा गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंड देन उसके बाद में आ जाएगा लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स भी, ठीक है। तो ये सभी जो है ये पार्ट है किसके, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए ये काम करते हैं। चलिए एक बेहद ही खूबसूरत चार्ट से आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए ये है आपकी प्लांट सेल स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। न्यूक्लियस जो है, अब यहां देखोगे न्यूक्लियस से जस्ट जुड़ा हुआ कौन प्रेजेंट है भाई, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर प्रेजेंट होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक्चुअल में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वहीं से ये एक्सटेंड होकर यहाँ पे प्रेजेंट है, फोल्ड्स जैसे नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में इसके पार्ट में क्या क्या आते हैं, इसमें आती है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड हम ये बोलते हैं छोटी छोटी वैक्यूल्स जो है वो भी इसी का पार्ट है। बट ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो रफ या फिर स्मूथ। स्मूथ किसको बोलते हैं, वो जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते, और जबकि रफ किसको बोलेंगे, उसको जिसके ऊपर राइबोसोम जो है वो क्या मिलेंगे हमें, अटैच मिलेंगे। जब भी राइबोसोम से अटैच कोई काम आ जाए तो फंक्शन आ जाए, समझ जाइए कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड हो रहा है। राइबोसोम का क्लियर कट काम है भाई, वो प्रोटीन सिंथेसिस ही करता है। चलिए तो आपका रफ ईआर जो है वो एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जबकि स्मूथ ईआर जो है वो आपका लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप ध्यान रखिए कि इनके जो ये ट्यूब, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, इनके दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इनके कंपार्टमेंटाइजेशन कर देती है। कैसे, एक तो इनर साइड में, ये देखिए इनर साइड के अंदर, और एक होता है साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है। तो दो तरीके, दो पार्ट के अंदर इनका कंपार्टमेंटाइजेशन कर देती है। चलिए तो ये हुई ईआर, ईआर से जो है ईआर से फॉर्मेशन होता है किसका, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी इसी के हम ये बोलते हैं कि इसी साइड में प्रेजेंट होती है, जहां ईआर होता है उसी के आगे अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे, देखिए गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। रीजन क्या है कि ये जो ईआर होती है यहां से जो पैकेजिंग होती है किसकी, प्रोटीन की एंड लिपिड की जो पैकेजिंग होती है, देन वो आगे हम ये बोल देते हैं मॉडिफिकेशन के लिए वो गोल्जी बॉडी जो है ना वहां पर जाकर वो उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि उसको रिलीज कर देती है, वो वैक्यूल्स जो है उसमें जाके हम ये बोलते हैं कि फ्यूज हो जाती है, एंड देन अपने मटेरियल को गोल्जी बॉडी के अंदर, उसकी सिस्टर्नीज के अंदर उसको रिलीज कर देती है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है कहां पर, ये देखिए आपका गोल्जी बॉडी जो है न्यूक्लियस की साइड में ही प्रेजेंट होता है ऑलवेज। रीजन यही है क्योंकि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका जो ये फेज है ट्रांस फेज जो मेम्ब्रेन साइड में होता है, इस फेज से निकलती है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एक्चुअल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। इसको हम ये बोल सकते हैं लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन का मेन फंक्शन जो रोल है वो प्ले करती है। तो देखिए लाइसोसोम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इनका काम होता है डाइजेशन का। इसीलिए देखिए ये जो लाइसोसोम होते हैं, पहली बात आपको ध्यान होनी चाहिए लाइसोसोम कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो ये ट्रांस फेज से फॉर्म होते हैं गोल्जी बॉडी के, दूसरी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फील्ड होते हैं। तीसरी कंडीशन, ये डाइजेशन का काम करते हैं और सुसाइडल बैग भी इसीलिए बोलते हैं, कभी कभी ये पूरे के पूरे अपने आप का ही ऑर्गेनेल्स का बाकी सबका सेल का ही क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, ऑटोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ लाइसोसोम। फिर ये जो आपकी गोल्जी बॉडी है समटाइम वैक्यूल फॉर्म करती है, सिक्रेटरी वैक्यूल फॉर्म करती है, या फिर हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है कॉटेड वैक्यूल्स जो होती है उनको फॉर्म करती है। तो एक्चुअल में ये वैक्यूल्स जो है उनको यहाँ पे ये जो आपकी गोल्जी बॉडी ये फॉर्म कर रही है, बट ये जो वैक्यूल है जिसमें स्टोर हो रहा है लार्ज साइज में वैक्यूल, जिसको सैप वैक्यूल बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, सैप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो सैप वैक्यूल में अगर आप लोग देखोगे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, इसकी जो हम बोलते हैं मेम्ब्रेन जो है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
इसके अंदर इसका मेजर रोल जो मेन काम जो है ना ऑस्मोसिस के टाइम पे होता है, ये जो है हम ये बोल देते हैं कि ये इस टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन जो होती है उसको भी मेंटेन करने का काम, और ऑस्मोसिस के अंदर जो हम बोलते हैं ना इसकी दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करने का काम जो है वो करती है, क्योंकि अपने अंदर स्टोरेज का फंक्शन करती है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये है वैक्यूल, सेल्फ वैक्यूल, जो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। चलिए गोल्जी बॉडी को थोड़ा सा और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका साइज जो होता है 0.5 म्यूएम से 1 डायामीटर तक होता है, और हम ये बोलते हैं कि ये कैसी होती है, फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर है। इसकी एक फेज जहां पर हम ये बोलते हैं कि जो भी वेसिकल्स जो फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो हम ये बोल सकते हैं लिपिड या फिर प्रोटीन फील्ड होती है जो गोल्जी बॉडी को उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो आकर सीस फेज से क्या होती है इसके अंदर फ्यूज होती है, एंड देन ट्रांस फेज से हमेशा हम ये बोलते हैं कि सिक्रेटरी वेसिकल्स या ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसिकल्स जो है वो यहाँ से फॉर्म होती है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यहीं से होता है। इनका मेन काम क्या है, पैकेजिंग का काम है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्म भी करती है, कि जो प्रोटीन एंड लिपिड आया उसमें मॉडिफिकेशन का काम भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस के बारे में भी ध्यान रखिए। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और ये कॉन्वेक्स शेप में होती है, जबकि ट्रांस फेस जो होता है मैच्योरिंग फेस होती है, और कॉनकेव शेप में इसकी स्ट्रक्चर जो है कॉनकेव शेप में होती है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज में होता है। फॉर्मिंग से मतलब यहाँ पे क्योंकि चूंकि ट्रांस फेज से फॉर्म होती है ना, न्यू वेसिकल्स जो फॉर्म होती है वो ट्रांस फेज से फॉर्म होती है, बट उसको बोल रहे हैं मैच्योरिंग फेज है, जबकि जहां पर आकर वो वेसिकल्स क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, उसको हमने क्या बोला है, फॉर्मिंग फेज बोला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन शब्द की तरफ ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आज डे वन के डे टू के अंदर हम लोग इतना ही लेंगे। नेक्स्ट जो है पोर्शन जो है सेल का वो हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग कितने सॉल्व कर पाते हैं। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। हम लोगों ने बोला ना ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, स्टिकी स्लाइम लेयर जो है वो फॉर्म कर सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सेल वॉल या ग्लाइकोकैलिक्स। यही कंफ्यूजन होना चाहिए, मेम्ब्रेन में तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों तो है नहीं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, बट याद रखिए ग्लाइकोकैलिक्स है वो जो स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल राइट है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच के अंदर क्या है, ये जो है एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यस। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं ये गोल्जी बॉडी से फॉर्म होते हैं। हमसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। ये तीनों हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किए हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने दिया भाई, क्लियर कट है, न्यू सेल थ्योरी आई है ना, मॉडर्न सेल थ्योरी, किसने दिया, रुडोल्फ विर्चौव ने। ऑप्शन क्लियर है, राइट। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ज्यादा डिटेल और गहराई में बहुत ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मार्ट स्टडीज कीजिए, चार्ट एंड माइंड मैप्स बनाइए, बहुत आसान हो जाती है स्टडी, जितनी हार्ड आपको लग रही है उतना होगा नहीं। और ये सारे चार्ट्स एंड डायग्राम्स आपको हमारी बुक में मोस्ट वांटेड बुक के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा इवेंट जो है वो नहीं होता है रफ में, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड एंड फास्फोलिपिड सिंथेसिस। आप देखो रफ के बारे में बात किया, यानी राइबोसोम है, राइबोसोम है तो प्रोटीन से रिलेटेड तो सारे काम होंगे, लिपिड से रिलेटेड नहीं होगा, देन डज नॉट पूछा है ना, तो फास्फोलिपिड सिंथेसिस, क्लियर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, आपको पूरा चार्ट दिया गया था, आपको सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को बोला वही पेरी न्यूक्लियर, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रिया, पेरी प्लास्टिडल स्पेस, ये तीन शब्द आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर, ये तीनों वही ऑर्गेनेल आ गए, लाइसोसोम बच गया, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच, प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, मिथेनोजन, प्रोकैरियोट्स, गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल। तो देखिए
प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं। फाइव किंगडम प्लान के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है ये कि प्रोटिस्ट के प्रोटिस्ट जो है वो यूकैरियोट्स है, केवल मोनेरन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। मिथेनोजन जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बिल्कुल टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स जो है वो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है फॉर द बॉयंसी। बट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल, ये रॉन्ग है, मैंने आपको कई बार बोला कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो ये हुआ मिसमैच। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट, ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन। मैंने आपको बोला प्रोकैरियोटिक सेल में ये चीज प्रेजेंट होती है, कई बार राइबोसोम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के थ्रेड के थ्रू जुड़े रहते हैं, उसको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा क्लियर कट आंसर है आपका पॉलीसोम। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए हैं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज्यादा डीप और ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चार्ट्स के थ्रू इतना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। चलिए, इस सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्लियर है भाई? लाइसोसोम, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसी से आप समझ जा रहे होंगे। चलिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इन ए वॉललेस माइक्रो, माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट है, पिलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, दैट इज रॉन्ग। फ्लैजिला होता है उसके लिए मोर्टेलिटी के लिए, जबकि पिलाई एंड फिम्ब्री जो है ये अटैचमेंट के लिए या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पे हेल्प करती है, जो मैंने आपको क्लियर अलग से बताया चार्ट में, और एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, इससे डिटेल आप कितना भी पढ़िए उसका कोई यूज नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो एनसीईआरटी को लेके चलिए और पढ़िए, आपके लिए आसान हो जाएगा सफर, और हमें फॉलो करते रहिए। तो ये है कुछ फॉलो अप क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, इतना ही आपसे पूछा जाएगा और इतना आपको पता होना चाहिए। सारे चार्ट्स एंड जितने भी आपके डायग्राम्स दिए हैं वो सभी आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे, और ये है फॉलो अप क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले आप मेरे वीडियोस को कितने अच्छे से देख रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आज के लिए इतना ही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद के जितने ऑर्गेनेल हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।